सो थोड़ा सा कम्युनिकेशन मिसमैच हुआ एंड हम भी वापिस उदयपुर जाना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। सो आज का दिन इट्स गोना बी फन। तो आर्मी वालों ने भी रखा होता है बट स्कोर करना ही मुश्किल है। क्या बोलो छोड़ दो। यहाँ से गिरा रहा है पेट्रोल ही दिया ना डीजल तो करवा दिया चाचा ने। बंदा बोलता है यार मिलते हैं हमारे वहाँ पे, आपको किसने कहा बोला नहीं मिलते। वो ऐसी दुकान वाला मिलेगा ना वहाँ। हाँ वे तो वहाँ और में ज़्यादा था और खाना हमने खा लिया है। अब हम जा रहे हैं उदयपुर से पांगी की तरफ। अरे किम्बल ने मोबाइल छोड़ दिया तो समझ लो क्या वो ठीक है। हल्की बारिश शुरू हो गई है। वी होप ज़्यादा बारिश ना पड़े क्योंकि रोड स्लिपी हो जाएगा कुछ ज़्यादा ही, कीचड़ हो जाएगा सारा। तो लेट्स होप बारिश ना पड़े। बाइक पर तो मारते रहो नहीं थे बूंदों को उठा ले रहे यार। एक पहले नंबर पे वो नहीं रखो क्या फर्क पड़ता है ना। हम लोग आफ्टर उदयपुर वापस गए थे, हमने पहले भी बताया था तेल डलवाने। उसके बाद टिंडी था गाँव नाम नहीं टिंडी तक पहुंचने के लिए हमें इट टुक अराउंड समवेयर 2 आवर्स। बहुत गंदा रोड है, बहुत गंदा, सिंगल लेन कच्चा बिल्कुल, एक साइड को खाई है दूसरी साइड पत्थर फेंकते या ग्लेशियर फेंकते हुए पहाड़ हैं। तो फाइनली उसके 1.5-2 घंटे बाद वी एंटर्ड पांगी वैली और जो फर्स्ट गांव हमें पांगी वैली में मिला उसका नाम है शॉल। तो अभी हम शॉल क्रॉस करके वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज जहां पे हमने किसी से मिलना है। तो बट रोड्स की हालत सच में बहुत गंदी है, ऊपर से बारिश हो रही है अब यहाँ पे, द टेम्परेचर हैज़ गॉन डाउन और पत्थर गिरने का डर रहता है जब आप ऐसी सड़क पे हो और जहाँ पे कच्चे पहाड़ हैं और बारिश होती है तो पत्थर गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो वो चीज़ है, एनीबडी प्लान्स टू कम हियर थोड़े प्रिकॉशन से आना, मौसम देख के आना। हम लोग पांगी वैली में फिंडरू गांव में हैं। हम रुके हैं गौरव भाई के पास। कल शाम को हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बारिश हो रही थी और गाड़ी से उतरने के बाद थोड़ा सा वॉक था गौरव भाई के घर तक, तो बारिश में हम वीडियो नहीं बना पाए। मैं जा रहा हूँ अभी गाड़ी के पास। गाड़ी थोड़ा सा ऊपर पार्क किया था, एक्चुअली ट्राईपॉड भूल गए हम गाड़ी में। तो फार्म का इंटरव्यू होना है रिवर के इस साइड, तो गाड़ी है रिवर के उस साइड, ट्राईपॉड चाहिए वरना लास्ट ईयर वाला ही सीन हो जाएगा बिना ट्राईपॉड के। सॉरी, फिक्स करना मुश्किल हो जाता है कैमरे को एक जगह पे। तो शिवम भाई कह रहे हैं आप जाके लेके आओ, आपको घुमाते हैं गांव की गलियां। व्यू बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। मेरा तो मॉर्निंग वॉक हो गया,
आप देखिए HRTC बस चल रही है, HRTC बसेस चलती हैं यहाँ पे। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो और गाड़ी में आपको ऐसा लग रहा है नहीं आप गाड़ी लेके नहीं जा सकता, तो HRTC की सर्विस है यहाँ पे, एज लॉन्ग एज आपका दिल बड़ा है, क्योंकि HRTC की बसें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और रोड बहुत तंग है। तो आई डोंट नो, अगर आप हिम्मत रख के आ सकते हो तो ज़रूर आइए। वो जो ग्रीनिश कलर का घर आपको दिख रहा है सबसे नीचे, वो है गौरव का घर, और कल रात हम वहाँ रुके थे। गौरव वाज वेटिंग फॉर अस, वो शाम तक ही हमारा अंधेरा होते तक ही हमारा वेट करते रहे, क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा था यार रोड ख़राब है। तो जब हमने पूछा क्या लगा आपको हम लेट क्यों हैं, तो इस लगे हम मुझे लगा क्योंकि आप छोटी गाड़ी में आ रहे थे, कहीं गाड़ी बज ना गई हो, नीचे से पत्थर वत्थर बज जाता है। नाउ दिस इज़ द रोड, इसमें छोटी गाड़ी का चलना मुश्किल है, तो ठीक हुआ हम गाड़ी नीचे लेके नहीं आए। तो ये था स्मॉल टूर इस गांव का, थक गया तो मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ और ट्राईपॉड उठा के आता हूँ, आगे भी काम करना है, एक ही दिन है, जो भी कर सकते हैं आज ही करेंगे, जितना भी कवर कर पाए आज ही करना पड़ेगा। तो गांव मैंने दिखा दिया आपको, बहुत ही खूबसूरत है। इफ़ यू हैव टाइम और आप हिमाचल एक्सप्लोर करना चाह रहे हो तो पांगी बहुत खूबसूरत है। बीइंग फ्रॉम किन्नौर, लोग इतना बोलते हैं किन्नौर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, नो डाउट है खूबसूरत, बट जब मैं कल पांगी एंटर किया आई सेड किन्नौर इतना खूबसूरत भी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत टाइम बाद घूमने निकले हैं तो इन्जॉय कर रहे हैं, काम भी हो रहा है साथ साथ, तो वो रिलीफ है। तो गौरव के घर पे आए हैं, राजस्थान से पहले से आते रहे, काफ़ी पुराना बिजनेस है, शूज़ वगैरह ठीक करते हैं, और हम सरप्राइज थे कि इतनी दूर कैसे पहुंच गए, क्योंकि हम सोच रहे थे एक्सप्लोर नहीं कर रहा कोई इसके, तो टूरिस्ट नहीं कर रहा है, बट दे हैव देयर ओल्ड बिजनेस, 12-13 साल पहले से आते रहे हैं यहाँ पर। तो गौरव भाई का एक शूज़ था, वो ठीक करवा रहे हैं अभी। सर कैसे पहुँच गए आप लोग पांगी? हम तो बड़े पुराने आते हैं, 12-13 साल हो जाते थे। सड़कें थी 12-13 साल पहले? हाँ सड़कें उतनी थी, ऐसे रोड था पहले, ऐसे ही कच्चा था। फिर कैसे आते थे आप लोग? बसों पर। कब तक रहते हो यहाँ पे? लास्ट जैसे 8-9 महीने जो अपने वहाँ आपकी बिजाई का टाइम हो जाता है ना? बिजाई नहीं है, पापा भी काम करते, जमीन मिली है पूरी, कुछ तो होगा थोड़ा बहुत, यही काम हमारा बस, ये जमीन भी है। अच्छा यही है कमाई का साधन? मैं आता था उधर कुल्लू मनाली। अच्छा। मैं ज़्यादा मनाली आता था उस टाइम, तो मनाली में रोड रोड चल आ रहा था ये सामान लेके, तो यहाँ के आदमी गए ना, वो कहते पांगी जाना पांगी, इधर के आदमी बोला मैं क्या पांगी, मैं 2-4 दिन बेचारे नहीं किया। अच्छा। फिर जैसे मैं घूमता आया रास्ते में, जितने टाउन ना सब एरिया घूमा है, ऐसे गोंदलोकीनाथ गोंदवाल ऐसे खाना खाएंगे, पहले जूते जाते बना ले जी। अच्छा। हाँ कोई बात नहीं, जूते बना के फिर देखेंगे। गौरव के पापा से हमारी कन्वर्सेशन हो गई है, हमने उनका इंटरव्यू ले लिया है। यहाँ पे बताया गया कि फॉरेस्ट वालों की हेल्प से कुछ प्लांटेशन भी हुई है, तो हम उसको भी देखने जाएंगे। तो हमने हाइक शुरू कर दिया, गौरव भाई के घर से हम निकल चुके हैं, काफ़ी ऊपर है, एक्चुअली हेज़ल नट की प्लांटेशन हुई है वहाँ पे, तो हम वो देखना चाह रहे थे, उसको देख के बैठेंगे वहाँ पे, क्योंकि हेज़ल नट का फसल पिछले 2 साल से अच्छे से हुआ नहीं है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे हेज़ल नट मिलना, बट हम ट्राई करना चाहते थे, तो लकीली गौरव भाई के जो पड़ोसी हैं उनके पास थोड़ी सी हेज़ल नट थी, तो उन्होंने हमें ट्राई करने के लिए दिया, वो हम आपको दिखाएंगे, हमने अभी जेब में रखा है, जब हेज़ल नट के प्लांटेशन के पास हम पहुँचेंगे तब हम उसे खाएँगे, तब तक के लिए